यूं तो एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक खतरनाक और विचित्र जानवर मौजूद हैं, जिन्हें देखने का मौका कभी कभार ही मिल पाता है। लेकिन जंगल के सभी जानवरों के विपरीत अगर किसी इंसान को सांप दिखाई दे तो पहली बार में उसका घबरा जाना लाजमी है। सांप न सिर्फ देखने में अनोखा लगता है बल्कि उसके शरीर में मौजूद जहर पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं दुनिया के सबसे विचित्र और अनोखी सांप की प्रजातियों के बारे में, जिनका जहर और शिकार करने की रणनीति आपको हैरान कर देगी। हॉर्न्ड वाइपर। उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले हॉर्न्ड वाइपर बेहद खतरनाक सांप की प्रजाति है, जिसे आमतौर पर सहारन हॉर्न्ड वाइपर और द डेजर्ट हॉर्न्ड वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्न्ड वाइपर बहुत ही जहरीला सांप होता है। इस सांप की आंखों के ठीक ऊपर एक सींगदार आकृति बनी होती है जो इसे खौफनाक लुक देने का काम करती है। हॉर्न्ड वाइपर की शारीरिक लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। हालांकि कई मामलों में 85 सेंटीमीटर वाले लंबे सांप भी देखे गए हैं। इस प्रजाति के सांप रेगिस्तान की रेत में छिपकर शिकार पर घात लगाए रहते हैं, क्योंकि रेत में हॉर्न्ड वाइपर का शारीरिक रंग आसानी से घुल मिल जाता है। हॉर्न्ड वाइपर छिपकली से लेकर चूहे, मकड़ी और दूसरे जीवों को खाना पसंद करता है, जो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देता है। हॉर्न्ड वाइपर का जहर बहुत ही तेजी के साथ शरीर में काम करता है, जिसकी वजह से उल्टी, चक्कर आने, बुखार और दिल की धड़कनों के तेज हो जाने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर पीड़ित को सही समय पर इलाज ना दिया जाए तो हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। आपको बता दें कि हॉर्न्ड वाइपर की त्वचा से बहुत ही खराब दुर्गंध आती है, जिसकी वजह से कई जीवों को इसकी मौजूदगी का एहसास काफी आसानी से हो जाता है। लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक। दुनिया भर में पाई जाने वाली सांप की सैकड़ों प्रजातियों में से एक है लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक, जिसकी शारीरिक बनावट आपको हैरान कर देगी। श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश में पाए जाने वाले इस सांप का साइंटिफिक नाम अहिटुला नेसुटा है, जिसके पास बेहद लंबी तोते जैसी नाक होती है। इस प्रजाति के सांप का शरीर बेहद पतला होता है, जबकि इसकी त्वचा का रंग हल्का हरा होता है। लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक अपने इसी शारीरिक रंग और त्वचा की वजह से पेड़ पौधों और झाड़ियों में आसानी से छिप जाता है, जिसे खोज पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक का पूरा शरीर पतला और लंबा होता है, जबकि इसकी लंबी नाक की वजह से इसके मुंह का आकार थोड़ा बड़ा लगता है। इस प्रजाति के सांप मेंढक, छिपकली और चूहे खाकर जिंदा रहते हैं, जो जंगल में बेहद धीमी गति के साथ मूवमेंट करते हैं। लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक का जहर काफी अलग होता है, जो शरीर में धीमी गति के साथ काम करता है, जिसकी वजह से पीड़ित को सूजन, शारीरिक दर्द, उल्टी और सुन्नपन का एहसास होता है। हालांकि इस सांप के काटने से मौत होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस सांप का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। सुंडा आइलैंड पिट वाइपर। सुंडा आइलैंड पिट वाइपर एक विषैले सांप की प्रजाति है, जो मुख्य रूप से पूर्वी जावा और सुंडा द्वीप समूह में पाई जाती है। सुंडा आइलैंड पिट वाइपर को आमतौर पर व्हाइट लिप्ड आइलैंड पिट वाइपर और सुंडा आइलैंड पिट वाइपर के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम ट्रेमेरिसुरस इंसुलेरिस है। इस प्रजाति के सांप की त्वचा का रंग नीला या फिर हरा होता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। लेकिन सुंडा आइलैंड पिट वाइपर देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही जहरीला और जानलेवा भी है। इस सांप के काटने पर शारीरिक दर्द, सूजन, चक्कर आने, खून बहने और पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। अगर पीड़ित को सही समय पर इलाज ना दिया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। सुंडा आइलैंड पिट वाइपर का स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है, जो इंसान या किसी जीव के संपर्क में आते ही उस पर हमला कर देता है। जिन इलाकों में यह सांप पाया जाता है, वहाँ इसके द्वारा इंसान पर अटैक करने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको सुंडा आइलैंड पिट वाइपर दिखाई दे तो उसके नजदीक जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। टू हेडेड स्नेक। टू हेडेड स्नेक को दुनिया के सबसे यूनिक सांपों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस सांप का शरीर तो एक होता है लेकिन सिर दो अलग अलग होते हैं। इस तरह के जीवों को बाइसे फैले कहा जाता है, जो मां के गर्भ में दो अलग अलग भ्रूण रूप में बनते हैं लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे का शरीर एक ही रह जाता है, जबकि उसके दो अलग अलग सिर विकसित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार इंसानों के बच्चों में भी देखी जा सकती है, जिसमें दो जुड़वा बच्चे आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। टू हेडेड स्नेक ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक आकृति और सिर का कोई मेल नहीं होता है। हालांकि कुछ मामलों में इस तरह के सांप लंबे समय तक जीवित रहते हैं और एक निश्चित लंबाई को भी प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे में एक बड़े आकार के टू हेडेड स्नेक को देखना किसी खतरनाक सांप का सामना करने से कम नहीं होता है।
इस तरह के सांप का शिकार सबसे ज्यादा घरेलू और पालतू बिल्लियों द्वारा किया जाता है, जिसे पकड़ना और खाना बेहद आसान होता है। हालांकि कई मामलों में टू हेडेड स्नेक भी हमला करने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन इसके शरीर में मौजूद जहर जानलेवा साबित नहीं होता है। वैज्ञानिक अब तक टू हेडेड स्नेक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, क्योंकि इस तरह के सांप बहुत ही कम पैदा होते हैं और ज्यादा समय तक जीवित भी नहीं रह पाते हैं। एथेरिस हिस्पिडा। अगर आप रंगीन और खूबसूरत सांप देखने के शौकीन हैं, तो यकीनन आपको एथेरिस हिस्पिडा जरूर पसंद आएगा। लेकिन यह सांप देखने में जितना आकर्षक और खूबसूरत लगता है, उससे कई ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला एथेरिस हिस्पिडा एक विषैला सांप है, जिसकी त्वचा पर बेहद अनोखी आकृति बनी होती है। इस आकृति की वजह से एथेरिस हिस्पिडा का शरीर किसी ब्रश की तरह दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि किसी चाकू से एथेरिस हिस्पिडा के शरीर पर छोटे छोटे कट लगाए गए हैं। इस प्रजाति का सांप काले से लेकर हरे और लाल रंग के होते हैं, जिसकी त्वचा पर बने कट्स खतरा महसूस होने की स्थिति में कांटे की तरह खड़े हो जाते हैं। एथेरिस हिस्पिडा को बुश वाइपर, स्पाइनी बुश वाइपर और हीरी बुश वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति के सांप की लंबाई 73 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, जो अपनी डाइट में छिपकली से लेकर चूहे, मेंढक और पक्षी को खाना पसंद करता है। एथेरिस हिस्पिडा के जहर का इस्तेमाल मेडिकल इस्तेमाल के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से इस सांप को बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है। यही वजह है कि एथेरिस हिस्पिडा इंसानों को देखते ही आक्रामक हो जाता है और उन पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। इस सांप का जहर अगर इंसान की बॉडी में चला जाए, तो समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में पीड़ित की मौत भी हो सकती है। स्पिटिंग कोबरा। यह सांप की एक ऐसी प्रजाति है, जो खतरा महसूस होने की स्थिति में अपने बचाव के लिए नुकीले दांतों से हमलावर की आंखों पर जहर का छिड़काव करने के लिए जानी जाती है। स्पिटिंग कोबरा की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है, जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने की स्थिति में हमला करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। स्पिटिंग कोबरा अपने दांतों के जरिए जहर को हमलावर पर फेंकने का काम करते हैं, जो 2 मीटर की दूरी तक पहुंच सकता है। यह सांप हमलावर के चेहरे और आंखों पर अपने जहर से वार करता है, ताकि जहर जल्दी काम करे और स्पिटिंग कोबरा को बचकर भागने का मौका मिल जाए। स्पिटिंग कोबरा की पहचान उसकी काली गर्दन से आसानी से की जा सकती है, जो मुख्य रूप से सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। स्पिटिंग कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी इंसान की आंखों में चला जाए, तो पीड़ित अंधा भी हो सकता है। स्पिटिंग कोबरा जब अपने मुंह से जहर थूकता है, तो वह अपने फन को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा लेता है, फिर जोरदार स्पीड में जहर को हमलावर की आंखों और चेहरे पर थूक कर वापस जमीन पर चला जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले को बचने का मौका तक नहीं मिल पाता। स्पिटिंग कोबरा की शारीरिक लंबाई 1.2 से 2.2 मीटर तक बढ़ती है, जो चूहे, पक्षी, अंडे, मछली और दूसरी प्रजाति के सांपों को अपने भोजन के रूप में खाना पसंद करता है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले स्पिटिंग कोबरा का सामना कई बार इंसान से हो जाता है। ऐसे में सांप के द्वारा इंसान पर हमला किए जाने के मामले भी सबसे ज्यादा सामने आते हैं। स्पिटिंग कोबरा का जहर आंखों की रोशनी छीनने, उसे कमजोर करने के साथ साथ त्वचा को कई प्रकार की एलर्जी देने का काम भी करता है। इसके अलावा कई मामलों में तो स्पिटिंग कोबरा के जहर के संपर्क में आने से इंसान की मौत तक हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इस विषैले सांप से निश्चित दूरी बनाकर रखी जाए। फ्लाइंग स्नेक। आपने जमीन पर रेंगने वाले सांपों के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी आसमान में उड़ने वाले सांप की प्रजाति के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि आसमान में उड़ने वाले इस सांप को फ्लाइंग स्नेक के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम क्रिसोपिलिया है। इस प्रजाति के सांप हल्के जहरीले होते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, भारत और श्रीलंका के जंगलों में पाए जाते हैं। फ्लाइंग स्नेक की त्वचा का रंग हल्का हरा और काला होता है, जो अपने सफर को आसान बनाने यानी ज्यादा दूरी को कम से कम समय में तय करने के लिए अनोखी रणनीति अपनाता है। दरअसल फ्लाइंग स्नेक किसी ऊंचे पेड़ की टहनी पर चढ़कर दूसरे पेड़ तक छलांग लगाता है। इस दौरान हवा में उसकी आकृति जे आकार की बन जाती है। फ्लाइंग स्नेक हवा में छलांग लगाने के दौरान अपने शरीर को सिकुड़ लेता है, ताकि वह ऊंची छलांग लगा सके, और हवा में जाते ही अपनी बॉडी को हल्का सा फैला लेता है। फ्लाइंग स्नेक दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है, जो जमीन पर रेंगने के बजाय हवा में छलांग लगाता है, और वो भी जमीन पर बिना गिरे। फ्लाइंग स्नेक अपनी एक छलांग के जरिए 100 मीटर की दूरी को आसानी से पार कर सकते हैं। यही वजह है कि इस प्रजाति के सांपों को जमीन में रेंगते हुए नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए देखा जाता है। हालांकि कम जहरीले होने के बावजूद भी फ्लाइंग स्नेक खतरा महसूस होने की स्थिति में इंसान पर हमला कर सकता है, जिससे उल्टी, बुखार, सिर चकराने और घबराहट जैसी समस्या पैदा हो सकती है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर।
अब हम आपको सांप की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शरीर सांप की तरह और पूंछ मकड़ी की तरह होती है। जी हाँ, इस सांप को स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे विषैले और खतरनाक सांपों की प्रजाति में से एक है। यह सांप मुख्य रूप से पश्चिमी ईरान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जो अपने शिकार करने की अनोखी रणनीति के लिए जाना जाता है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर की पूंछ बहुत ही अलग और विचित्र होती है, जो बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह दिखाई देती है। यह सांप चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर अपनी इस पूंछ को हिलाता है, जिससे दूसरे जीवों को यह लगता है कि वहां पर कोई मकड़ी मौजूद है। जैसे ही कोई जीव उस मकड़ी का शिकार करने के लिए स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर की पूंछ के पास आता है, तो यह सांप उसे तुरंत दबोचकर अपना शिकार बना लेता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर की पूंछ उसके लिए खाना जुटाने का काम करती है, जिसकी वजह से यह सांप छिपकली से लेकर पक्षियों तक का शिकार आसानी से कर लेता है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर की शारीरिक आकृति और रंग भी काफी अलग होता है, जिसकी वजह से यह सांप अपने शरीर को चट्टानों और झाड़ियों में आसानी से छिपाकर छलावा कर सकता है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जहर बहुत ही पावरफुल होता है। हॉगनोज स्नेक। साउथ अमेरिका, उत्तरी मैक्सिको और मेडागास्कर में पाया जाने वाला हॉगनोज स्नेक एक बहुत ही अच्छा कलाकार है, जो अपनी एक्टिंग से किसी को भी पागल बना सकता है। दरअसल हॉगनोज स्नेक उल्टे थूथन वाले सांप की प्रजाति है, जो इंसानों से खतरा महसूस होने की स्थिति में उनके सामने जबरदस्त एक्टिंग करने लगता है। हॉगनोज स्नेक को जब लगता है कि इंसान उसे पकड़ने या मारने की कोशिश कर रहा है, तो वह अपने शरीर को पूरी तरह से अकड़ लेता है। ऐसा करने से हॉगनोज स्नेक बिल्कुल मृत सांप की तरह दिखाई देने लगता है, जो कई मिनटों तक जमीन पर अकड़ी हुई स्थिति में पड़े रहता है, और देखने वाले को ऐसा लगता है कि हॉगनोज स्नेक मर चुका है। इस प्रजाति के सांप 71 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ते हैं, हालांकि कुछ मामलों में 116 सेंटीमीटर लंबे हॉगनोज स्नेक को भी देखा गया है। यह सांप छिपकली और पक्षियों के अंडे खाकर जिंदा रहता है, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। हालांकि हॉगनोज स्नेक की एक्टिंग को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सांप अपनी चतुराई से किसी को भी उल्लू बना सकता है। तो ये थे दुनिया के सबसे जहरीले और विचित्र सांप, जिन्हें देखने के लिए अच्छे नसीब की जरूरत पड़ती है। हालांकि इस तरह के सांपों से दूरी बनाकर रखने में ही इंसान की भलाई है, क्योंकि यह सांप कब किस पर हमला कर दे इसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनमें से आपको कौन सा सांप सबसे खतरनाक और विचित्र लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।